जंगल के जानवर अब भीषण गर्मी में प्यासे नहीं रहेंगे और उनको पानी की तलाश में भटककर गांवों की ओर भी नहीं आना पड़ेगा। वन्य जीवों को जंगल के अंदर प्यास बुझाने के लिए वन विभाग ने पक्की हौद या तालाब बनाकर उनमें पानी भरने की योजना बनाई है। तराई पूर्वी वन प्रभाग में वाटर होल्स बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसमें कुछ जगहों पर पानी तो प्राकृतिक जल स्रोतों से डाला जाएगा या फिर विभागीय पानी के टैंकर से पानी भरने का काम किया जाएगा, जिससे जानवर उसमें पानी पीने के साथ अब स्नान भी कर सकेंगे। वनों के अत्यधिक दोहन होने और बदलते मौसम चक्र के कारण प्राकृतिक जल स्रोत गर्मी में सूख जाते हैं। इनमें से अधिकांश जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। इसके चलते पानी की तलाश में वन्य जीव जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से तराई पूर्वी व आसपास के जंगल से सटे क्षेत्र में जंगली जानवरों ने लोगों को काफी नुकसान पहुँचाया है। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए गहन मंथन किया, जिसमें तय किया गया कि वनों में जगह जगह हौद व तालाबों को बनाया जाएगा। इसमें वन कर्मचारी रोजाना टैंकर और टैंकों के माध्यम से पानी भरेंगे, जिससे जानवर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। इस योजना को तराई पूर्वी वन प्रभाग में शुरू भी कर दिया गया है। जानवरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100% बजट उपलब्ध कराया है। वाटर होल्स में रोजाना पानी भरवाने के लिए टैंका का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी जानवरों को इसका लाभ मिल सकेगा, साथ ही पानी के टैंकर का उपयोग जंगलों की आग बुझाने के लिए भी किया जा सकेगा। जी हमारे द्वारा बहुत सारे वाटर होल जंगलों में बनाए गए हैं, तो कुछ वाटर होल हमारे जैसे सूख गए हैं, तो उसमें टैंकरों के माध्यम से उसमें पानी भरा जा रहा है, जिससे कि वन्य जीव को पानी मिल सके और वो बाहर जंगल के बाहर विचरण ना करे। जंगलों में बेजुबानों के लिए अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे घने जंगलों में उनकी प्यास बुझ सके। गर्मी में बढ़ते तापमान के साथ पानी की जरूरत बेजुबानों के लिए भी बढ़ जाती है और इस गर्मी की तपिश में प्यास की वजह से कई बेजुबान अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में वन्य जीवों को जंगल के अंदर प्यास बुझाने के लिए वन विभाग की यह योजना बेहद कारगर साबित होने वाली है।